सुबह के 6 बज रहे हैं, हमारी तो ऐसी भी रातों की नींद हराम हुई है, तो हमने सोचा कि आज दिन की नींद को भी हराम करते हैं। एक स्पेशल जगह पे जा रहे हैं। और स्पेशल जगह कौन सी होगी? खूनी अबशार है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। खूनी अबशार का नाम सुना है? बताओ ना। मैं नहीं बताऊंगा। पहले कभी नहीं सुना होगा, तो आपके लिए इसको जो है ना सस्पेंस में छोड़ते हैं और निकलते हैं। वेलकम वेलकम भाइयों, वेलकम मशहूर ज़माना लोगों को निगलने वाली अबशार, पता भी नहीं चलता कहाँ जाते हैं लोग, फिर टीमें आके निकलती हैं इस अबशार से, इस खूनी अबशार से लोगों में। हसीन चीज़ें जो होती है ना वो हमेशा ख़तरनाक होती है, तो हसीन चीज़ें और हसीन लोगों दोनों से बच कर आ करें आप। और हमारे हाथ कांप रहे हैं, बहुत सर्दी है, बहुत इंतहाई सर्दी है। मुझे लगता है मोबाइल हाथ से गिर जाएगा। ठीक है, तो मैं ज़रा वीडियो को स्टॉप करता हूँ और आगे थोड़ी सी गर्म हवा ढूंढता हूँ, फिर वहाँ पे हाथ गर्म करके ना फिर वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, इसको देखो, ये देखो, इसमें बिल्कुल भी लिहाज नहीं है। ठीक है, अब गरीबों को कुछ समझते ही नहीं है ना ये लोग। शर्म होती है, कोई हया होती है इनको, क्या पता वो क्या होती है। वो सामने अमीरों का मोटरवे है और ये हमारा गरीबों का मोटरवे, देख लिया ना आपने, वो सामने अमीरों का, ये गरीबों का है। हमें ही देख ले, हमारे मोटरवे का पता चल ही जाएगा कैसा है। ये देख ले जी, बाइक चलाते हुए। और ये मेरा बुली है। ओए 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 ओए, मारने का इरादा था इन दो कुत्तों का हमें। इन्होंने खुद तो जाना ही होता है, ऊपर साथ हमें भी ले जाते हैं। ठीक है, बाकी आपको कौवे दिखाते हैं, सुबह इंसान तो कम ही है। तो देखें जी, ये है जी हवेलिया की शान और इसका पुल, और ये है हमारे हाफिज साहब, हमारी शान। और ये डर गए, कह रहे हैं पुल हिल रहा है। सही कह रहे हैं, पुल हिल रहा है। ये वही पानी है आपको नज़र आ रहा है हरमही वाला, ये हमारे गांव का पानी है। और ये हवेलिया की शान है, ये पुल देख रहे हैं आप। ठीक है, इससे ये व्यू नज़र आ रहा है, पुल हिल रहा है बिल्कुल, नज़र आ रहा है ना आपको। ठीक है, अब हम जाएंगे हवेलिया का एक और जगह मशहूर है, वहाँ पे जाएंगे, उसका ट्रेन स्टेशन। ठीक है, तो बस हम निकलते हैं अभी। ठीक है, तो भाई हम रेलवे स्टेशन पे पहुंच आए हैं और आपको मैं एक बात बताता हूँ, अंदर की बात। अंदर की बात ये है ना कि मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ ना, मेरी फीलिंग्स चेंज हो जाती है। मैंने तो धीरे से नींदों के धागों से बांधा है ख्वाबों को तेरे। वो हमारा भाई शायद आ रहा है, तंजील इकबाल, ये मेरा कॉलेज फेलो है। ठीक है, सामने कूदता हुआ आ रहा है। तंजील भाई, सबसे पहले आप स्माइल करें और आप जल्द से जल्द मशहूर होने वाले हैं। अच्छा, ये है ना, ये रास्ता हमारे शुरू हो गया और हम जा रहे हैं सलीकोट अबशार तक, जिसने तकरीबन कोई 99 लोग मार दिए और हम सेंचुरी पूरी करने जा रहे हैं। लेट्स गो। इस ताके हो तो परे लगना वैसी ना। हाँ, इस ताके ने पीछे पास जाएगा। तो ढाका बोलते हैं पहाड़ को, और ये जो रोड जा रही है ना, ये आपको जो है ना जंगल के बीच में से गुजरती हुई, ये आपको लेके जाएगी कुछ ऐसी मंजिल पे जो आपको नज़र आने वाला है। तो ये है जी सजीकोट की अबशार और ये रोड व्यू है इसका। तो ये पहला आपको देखने को व्यू मिलेगा रोड की ऊपर से। ठीक है, तो हम साइड साइड से अभी नीचे की तरफ उतरेंगे, राइट साइड से इसके। भाई हम पहुँच जाएँ
ठीक है। और ये व्यू आप देखें। ओके लगी तो नहीं है आपको, लगी तो नहीं है, गिर गए थोड़ा सा अभी, इनका ज़्यादा तीमारदारी करते हैं, बंदे को लग गई। भाई आपने जो है ना नोट कर लिया होगा कैसे जो है ना हाफिज साहब रोड़ते हुए गए, ये ऐसे तो नहीं कहा मैंने, खूनी अबशार है, खींचती है अपनी तरफ लोगों को, मैंने आपको ऐसे नहीं कहा, ये मिस्टीरियस अबशार है, किलर वाटरफॉल, ये इसको रास्ता जा रहा है। आप देखें हमारे तंजीर भाई कितने प्यारे व्यू से कह रहे हैं उधर से जाएँ, ये मैं गाइड कर रहे हैं, अब आपको जो है ना स्पेशल व्यू दिखा रहे हैं, और ये डेडिकेट करते हैं हम तंजील भाई को जो हमें ले के आए हैं। ये व्यू है जी, यहाँ से लोग छलांगे मारते हैं और यहाँ पे आके तो मरना ही है ना उन्होंने, फिर इसका प्रेशर आप देख लें बहुत ज़्यादा प्रेशर है, गहरी भी बहुत है, तो व्यू आप देख लें, और ये हमारे भाई नीचे खड़े, बहुत ही प्यारा व्यू है। बहुत ही खूबसूरत जगह, ये देखें जी इंतहाई खूबसूरत नहाने की जगह, तो गहरी है ना, तो देख लें इंतहाई खूबसूरत जगह, बहुत गहरी है ठीक है, लेकिन कम से कम ये मुझे लग रहा है 20 फुट से ज़्यादा गहरी है, 20-25 फुट तक है ये ठीक है, इसमें भी लोग नहाते हैं। फिर आप यूँ देख लें ये वाली राइट साइड पे ये नीचे जा रही है, ये पूरा पानी नीचे जा रहा है, और ये वो वहाँ से जो है ना ये यहाँ से ये जगह नज़र आ रही है आपको, यहाँ से नीचे पानी गिर के जो है ना सजीकोट की अबसार बनती है ठीक है, बहुत ही ख़तरनाक किस्म की अबसार है। ऊपर जो ये जगह ये भी बड़ी गहरी गहरी लग रही है, अब हमने जाना है ये जो जगह है ना नज़र आ रही है आपको, यहाँ से कूद के उधर जाएँगे, भाई बता रहे हैं मेरे कि यार यहाँ पर बहुत अच्छी जगह है, तो आगे जाते हैं, आपकी खिदमत कर रहे हैं भाई। ये देखें ना ये 20 से 25 फुट गहरा जो है कुआं है, और इसके इतने करीब से हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, गिर गए तो अगर तैरना नहीं आता तो पक्के गए हो आप ठीक है, हमें इतना आता है कि खुद को बचा लेंगे। ये देखें पानी ऐसे जा रहा है जैसे किसी वो नहीं होता चक्की जो होती है मकई वगैरह की, उसके लिए जिस तरह पानी इस्तेमाल होता है कुछ यूँ ही ऊपर से स्लोप में पानी यूज़ होता है ना। और ये बाकी आप देख लें इतना प्यारा व्यू इतने क्लोज़ रेंज से आपको दिखा रहे हैं, ऐसे कौन दिखाता है भाई, ये जो है ना रिस्क लेते हैं हम लोग, रिस्क लेके जो है ना आपको दिखा रहे हैं। ये वही पानी है सामने जो फ्रंट से जाके नीचे जो है ना आबशार में लगेगा, और यहाँ से जो है ना आपको इतने क्लोज रेंज से जो है हम प्यारे प्यारे व्यूज़ दिखा रहे हैं, पानी को देखें कितने प्यारे तरीके से फ्लो रहे, तो इन्जॉय करते रहें साथ साथ देखते रहें, आगे भी चीज़ें मिलेंगी आपको इतनी प्यारी देखने को। कितनी खूबसूरत है, क्या लग रहा है आपको अब साहब, कैसा महसूस हो रहा है? मुझे करोड़ रुपया भी दे मैं इस पानी के करीब ना जा, कह रहे मुझे भी करोड़ रुपया भी दे तो मैं इस पानी के करीब ना जाऊं, सही कह रहे हैं, सही डरावना पानी है। ठंडी ठंडी छींटे यहाँ तक आ रही हैं, देखें जी भाई इंजॉय करें, इंतहाई खूबसूरत अबशार थोड़ा सा नीचे करें आपको बताएं, हम वहाँ पे उसके पीछे गए थे, वो सामने कितनी बड़ी जगह नज़र आ रही है आपको, वहाँ पे हम ये दिखाएंगे बैक से आपको दिखाएंगे फ्रंट से, और ये जगह है जहाँ पे काफ़ी लोग मरे हैं, इसकी वजह ये है बेसिकली कि इसका प्रेशर इतना है कि पानी जो है बंदे को नीचे दबा लेता है, और वहाँ ऊपर से लोग कूदते हैं तो वहाँ के नीचे रखते हैं, तो लाजमी बात है उन्होंने मरना ही है, तो ये बेवकूफ़ी है, कभी भी पानी में नीचे ना होते ठीक है,
बाद में जाए आप बाहर से निकल सकते हैं, नहाते हैं तो वो आगे थोड़ा पानी है, नहा लें वापस आ। तो कोशिश करें कि आप जो है ना इसको अवॉइड करें और ऐसी जगह पे ना जाएं जहाँ पे जान का खतरा हो। अब चार के पीछे आ गए, ये देखें ऊपर से, ये अब चार सामने गिर रही है और यहाँ पे आके लोग मरते हैं। ये सामने जो जगह है आपको नज़र आ रही है ना, यहाँ पे आके लोग मरते हैं अगर गिर जाए तो। ये आप देखें अब चार बैक व्यू अब चार का कैसी लग रही है भाई, मज़ा आ रहा है, मुझे बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है, इसी मारे बता नहीं सकता आपको। बिल्कुल अब कार के पीछे खड़ा हूँ, सामने आके सारा पानी गिर रहा है। ठीक है, मेरा कर रहा है कि आगे जाऊँ लेकिन मेरे बस की बात नहीं है, हम सब बड़े दिल वाला है जो आगे गया है। बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं क्योंकि आप देखें ना वो प्रेशर, देखें आपको ये प्रेशर दिखा देता हूँ, यहाँ से कैसे आप बच सकते हैं मुझे बताएं, बचने का कोई चांस है? दबा देता है इतना पानी नीचे के पता नहीं टैंकियों का हिसाब से ऊपर से पानी आ रहा है, कहाँ आप कुछ पड़ेगा ये पानी बचने के लिए। ये हमारे भाई हमारे करीब आ गए, ये ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं आपको कि यहाँ पर क्या होता है, कैसे कैसे लोग मरते हैं और फिर निकालने के लिए। मसला ये है यहाँ पे कुछ लोगों का साया है, यहाँ पे बद्दुएं रहती हैं, बद्दुएं। अच्छा, जो सादा सादा लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं उनको कुछ नहीं कहती, कोई भी इस पानी से बाहर नहीं आया, यहाँ आना मन है, मैं कहता हूँ मेरा गांव है ये, मैं कहता हूँ यहाँ पे कोई ना आए, ठीक है, जिंदगी प्यारी है तो मत आओ नहीं तो खो दोगे जिंदगी को। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, यहाँ पे आने की जरूरत है लेकिन आप बाहर रहें, ठीक है, अंदर बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है आपको। पानी का मौसम देखिए कितना प्यारा है, ये देखें, ये देखा है जी पीछे, इसको कहते हैं चिलर वाटरफॉल, ये सामने देख लिए हम इसके बिल्कुल फ्रंट पे हैं, ठीक है ना, देख लें पूरी तरह सही तरह से देख लें, सुकून से देख लें, मेरी प्रेजेंस को भी महसूस करें बहुत। ये आपको नज़र आ रहा है पीछे से, ये जो वीडियो में शायद आपको नज़र आ जाएंगे जिसके छींटे यहाँ तक आ रही हैं, ठीक है, कितनी दूर है आप देख लें, तो इससे प्रेशर का अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना इसका प्रेशर है, तो करीब जाने का बिल्कुल भी ना सोचें कभी भी, ठीक है, शुक्रिया, बाय बाय। अब हम जा रहे हैं अम्ब्रेला वाटरफॉल।